परमा माद्याम जगद्व्यापिनी बेड़ा पुस्तकधारिणीम जाड्यंधकारपहम हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अच्छा, अथ संज्ञा प्रकरणम्। संज्ञा प्रकरण देखो, बहुत दिन हो गया नहीं के। हलन्त्यम् अदर्शनम् लोपः तस्य लोपः आदिरन्त्येन सहेता उकालो ह्रस्व दीर्घप्लुतः उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः मुखनासिका वचनोनुनासिकः तुल्यस्य प्रत्नं सवर्णम् अनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः परः सन्निकर्षः संहिता हलोऽनन्तरः संयोगः सुप्तिङ्गन्तं पदम्। अथ अच्छन्धिः एको यणचि तस्मिन् ते निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः अनाचि च झलाञ्झस्झसि संयोगान्तस्य लोपः अलो अन्तस्य यणः प्रतिषेधो वाच्यः यणः प्रतिषेधो वाच्यः। बस थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, पाठ करते रहने से संस्कार रहता है ना, नहीं तो अनभ्यास है विषम विद्या। और पाठ करने से संस्कार तो होता है और पुण्य भी होता है। तो शब्द है विश्वपा, शब्द क्या चल रहा है विश्वपा आकारांत विश्वम पाति रक्षति इति विश्वपा। ठीक है, तो इसमें द्वितीय का बहुवचन सस आया, विश्वपा प्लस सस। सस का क्या रहता है अस रहता है। यहाँ पर एक प्रक्रिया है, आगे सूत्र आएगा आतो धातो हो आएगा उत्तर पन्ने में दाएं तरफ। क्या सूत्र? आतो धातु ही सूत्र आएगा। तो उस सूत्र को समझने के लिए ये प्रक्रिया है पहले। देखो, पहले आया सुडनम पद सकस्य,
सुवर्णोपोषकस्य संज्ञा सूत्र है। क्या सूत्र है? संज्ञा सूत्र। वो बोल दिया कि सर्वनाम स्थान संज्ञा। क्या बोल दिया? सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है। किसकी? सूट सु औ जस अम औट कितने हैं? पांच। पांच को क्या बोलते हैं? सूट। सूट प्रत्याहार। इसमें पांच प्रत्याय है तो सूट प्रत्याहार घटक पांच प्रत्ययों की क्या संज्ञा हुई? सर्वनाम की। सर्वनाम स्थान। हाँ सर्वनाम स्थान। ठीक है, क्या संज्ञा हुई? सर्वनाम स्थान। कितने की? पांच की। बाकी क्या होंगे? सौ से लेकर आगे, उसको असर्वनाम स्थान कहा जाएगा। जिसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा नहीं होगी उसको क्या बोलोगे? असर्वनाम स्थान कहोगे। ठीक है, सस प्रत्यय से आगे क्या बोलेंगे उसको? असर्वनाम स्थान कहेंगे। उसके बाद ये सूत्र आया स्वादिश्व सर्वनाम स्थान है। क्या सूत्र है ना, यही चल रहा था ना सूत्र में। कितने हैं? तीन पद है कि चार पद है? दो पद है। तो पहला पद क्या है? स्वादिशु। दूसरा पद असर्वनाम स्थान है। तो असर्वनाम स्थान प्रत्यय कितने हैं? एक है कि बहुत सारे हैं? एक है कि बहुत सारे हैं? बहुत सारे। तो बहुत सारे हैं, फिर भी एक वचन कर दिया यहाँ पर। क्या कर दिया? एक वचन जो यहाँ पर कर दिया, ये छांदस प्रयोग है। अथवा जाति में भी एक वचन होता है। क्या होता है? जाति में भी एक वचन होता है। हाँ लिख लो, जाति कह लो अथवा छांदस प्रयोग कह लो। बोलो असर्वनाम स्थान एक नहीं, बहुत सारे प्रत्यय। तो असर्वनाम स्थान का अर्थ हो जाएगा असर्वनाम स्थानेषु, ये अर्थ हो जाएगा नहीं? क्या है? असर्वनाम स्थानेषु, असर्वनाम स्थान प्रत्यय पर रहते। ठीक है, अच्छा पूर्व सूत्र जो आया है उसके ऊपर थोड़ा बोल देते हैं। ये जो कहा सूड अनपुंसकस्य, ठीक है, ये सूड प्रत्याहार कितने प्रकार का बन सकता है? बन सकता है कितने प्रकार का? जैसे अन प्रत्याहार होता है, अन प्रत्याहार कितने प्रकार का होता है? पूर्व अणकार वाला अण, अयुण में अणकार नहीं, तो अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? पूर्व अणकार को लेंगे तो तीन, अ ए ओ। अब परणकार है लण, हयावर लण, वो लण के अणकार को कहेंगे परणकार वाला नहीं। परणकार मतलब लण का अणकार। परणकार वाला अणकार को लेकर के यदि अण प्रत्याहार करोगे तो उस अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? नौ पाँच चौदह। क्या कह रहे हैं? चौदह ना, है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से सूट प्रत्याहार भी दो प्रकार का बन सकता है। किस किस सूत्र में टकार की संज्ञा है बोलो तो? चूटू में टकार। क्या मैंने पूछा कौन कौन से प्रत्यय में टकार की इत संज्ञा है बोलो? सूप में, औट में टकार है, और कहाँ पर टकार है इत संज्ञा? हाँ टा में भी टकार है कि नहीं बोलो, है ना? तो एक तो पूर्व टकार है औट का टकार, और पर टकार कौन है? टा का टकार। तो दो प्रकार का प्रत्यय बन सकता है कि नहीं? बन सकता है? क्या कह रहे हो? क्यों नहीं बन सकता है? अरे भाई सुनो, आपको इस संज्ञक चाहिए कि नहीं? प्रत्याहार के लिए अंत में क्या चाहिए आपको? इस संज्ञक बनना चाहिए, समझ में कि नहीं? क्या चाहिए? इस संज्ञक बनना चाहिए। तो इस संज्ञक बनना नहीं है क्या? टाका टकार, तब हो गए कि नहीं हो गए? अंतिम में आपको क्या चाहिए? प्रत्याहार के अंतिम में वर्ण क्या चाहिए? इत संज्ञक बनना चाहिए ना।
जैसे औट का टकार इस संज्ञा का है, टा का टकार भी इस संज्ञा का है, दो प्रकार का बन सकता है। और अंत में क्या बात, अंत की कोई जरूरत नहीं, टकार की इत संज्ञा होनी चाहिए। जैसे र प्रत्याहार होता है, र प्रत्याहार र में अ इत संज्ञा कहाँ पर है, लण में जो अ है, लण के मध्य में है कि नहीं अ, उसको लेकर र प्रत्याहार नहीं बनता है। अंत में इत संज्ञा बनना होना चाहिए। इस प्रकार टा का टकार वहाँ पर भी संज्ञा बनना है, तो पर टकार जो टा का टकार है उसको लेकर के यदि सूट प्रत्याहार बनाओगे तो कितने प्रत्यय आ जाएंगे, देखो सु औ जस आम औट, आगे क्या है सस, टा नहीं आएगा, टा आएगा नहीं, वो तो टकार के बाद आ है, तो कितने आ जाएंगे, पर टकार वाला सूट प्रत्याहार को जो लेंगे तो कितने प्रत्यय आ जाएंगे, छः। और आउट के टकार को लेकर सूट प्रत्यय लेंगे तो पाँच आ जाएंगे, तो किसको लेना चाहिए, हाँ यहाँ पर परंपरा से क्या है, परंपरा से ही सूत्र का ज्ञान होता है, सुन रहे हो कि नहीं, हाँ है ना, हाँ व्याख्यान, व्याख्यान बोलते हैं ना परंपरा, है ना, व्याख्यान परंपरा, यहाँ पर व्याख्यान से ही यहाँ पर लेना पड़ता है सूट से, किसको, ओट के टकार वाला को, लिख लो लिख लो, सूट प्रत्यार से ओट के टकार को लेकर के बनने वाला प्रत्याहार को लिया जाता है, ठीक है। न की टा के टकार को लेकर के, न की टा के टकार को लेकर के, है ना, परंपरा से अथवा प्रथमातिक्रमे कारणाभावाद, एक नियम है, प्रथमातिक्रमणे कारणाभावाद, प्रथमातिक्रमणे कारणाभावात, ये नियम है, बिना कारण से प्रथम का अतिक्रमण नहीं किया जाता है, बिना कारण से प्रथम का अतिक्रमण नहीं किया जाता है। लेकिन में दो ठो दुकान है, दो ठो दुकान है, इधर एक दुकान है, आगे एक दुकान है, कोई चीज़ लानी हो, जो चीज़ वही चीज़ दूसरे दुकान में जो मिल रही है, पहली वाली दुकान में यदि मिलती हो तो पहली वाली दुकान से लाओगे कि दूसरी वाली दुकान से लाओगे, हाँ दूसरी कोई चीज़ है तो अलग बात है, घूमना फिरना है तो अलग बात है कि नहीं, हाँ इसलिए बिना कारण से प्रथम का अतिक्रमण नहीं किया जाता है। इसलिए अक्के चन मधुबिंदेत किमर्थम पर्वतम ब्रजेत, नहीं लौकिक न्याय क्या है, अक्के चैन मधुबिंदेत किमर्थम पर्वतम ब्रजेत, सुवासित माता है कि नहीं, अक्का मतलब क्या, घर का कोना, अक्के चैन मधुबिंदेत, मधु मतलब शहद, शहद यदि घर के कोने में आपको मिल गया तो जंगल तक क्यों जाओगे ढूंढने के लिए, पर्वत तक क्यों जाओगे, क्यों है ना संभव है कि नहीं, तो ठीक इसी प्रकार से, हाँ सूट प्रत्याहार औट के टकार को लेकर हो जाएगा, टा के टकार तक क्यों जाओगे, हाँ पहले औट का टकार आएगा कि टा का टकार आएगा, पहले औट का टकार आएगा तो औट के टकार को लेकर सूट प्रत्याहार बन जाएगा, तो टा के टकार तक क्यों जाना है, कोई प्रयोजन है ही नहीं, है ना अनुराग, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सूत्र देख लो, ये वृत्ति है स्वादि पंचवचनानि, नहीं आगे स्वादि सूत्र, क प्रत्यय अवधिषु स्वादिषु असन्नाम स्थानेषु पूर्वं पदं स्यात्, पढ़ लो एक बार, असन्नाम स्थानेषु पूर्वं पदं स्यात्, देखो
सर्वनाम स्थान बोल दिया, क्या बोल दिया? सर्वनाम स्थान मतलब कहाँ से था, कहाँ से प्रारंभ होगा? सस से लेकर। भाई सस से लेकर कहाँ तक जाओगे, ये तो कुछ कहा नहीं। सस से लेकर कहाँ तक जाओगे, कुछ तो कहा नहीं ना। हाँ, यहाँ पर क्या है, व्याख्यान के बल से, व्याख्यान के बल से कप प्रत्यय अवधिशु, ये बोल रहे हैं। एक सूत्र है उरह प्रवृत्तिभ्य कप, देखो उरह प्रवृत्तिभ्य कप, एक कप प्रत्यय होता है कप, वकारांत कप, ठीक है ना। तो ये है पंचम अध्याय के अंतिम सूत्र है, पंचम अध्याय के अंतिम सूत्र है, हैं? तो वहाँ तक कप प्रत्यय अवधि, ये देखो वहाँ तक, ठीक है, मतलब सस से लेकर के कप प्रत्यय पर्यंत, हैं? उसके बीच में जितने भी प्रत्यय आएंगे, जितने भी प्रत्यय आएंगे उसको क्या कहा जाएगा, सर्वनाम स्थान कहा जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, स से लेकर के आगे कप, बहुत सारे प्रत्यय, सबको क्या कहेंगे, सर्वनाम स्थान कहा जाएगा, ठीक है। ऐसे सर्वनाम स्थान और स्वादी भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्वादी करने से हाँ सुजस्त नहीं आएगा, वो भी स्वादी है, स्वादी भी स्वादी है, ठीक है। लेकिन सर्वनाम स्थान कहने से कौन छूट गया, सुजस अमोट सुस छूट गया, कहाँ से प्रारंभ होगा, सस से लेकर के, है समझ में ना। हाँ, वृत्ति में लिख लो सूत्र का अर्थ, क प्रत्यय पर्यंत, क प्रत्यय पर्यंत जो सर्वनाम स्थान स्वादी प्रत्यय है, जो सर्वनाम स्थान स्वादी प्रत्यय है, मतलब सस से लेकर के आगे हो, सस से आगे हो, सस के सस से आगे प्रत्यय, सस से आगे प्रत्यय, ऐसे ऐसा प्रत्यय परे रहते, ऐसा प्रत्यय परे रहते पूर्व प्रकृति की, पूर्व प्रकृति की अंग, पूर्व प्रकृति की पद संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है, क्या संज्ञा होती है, हाँ पद संज्ञा होती है, ठीक है ना। हाँ, ये व्याख्यान के बल से, ऐसा अर्थ व्याख्यान के बल से किया जाता है, लिखो ऐसा अर्थ व्याख्यान बल से किया जाता है, व्याख्या में हमारा परंपरा, परंपरा से हो गया। हाँ, अभी तो स्वादी का विचार चल रहा है, मतलब सस से लेकर आगे, सस से लेकर के आगे सुख तक कितना है, बोलो 16, 16 ना है, तो इतना समझ में आया ना। अच्छा, ये भी सामान्य सूत्र है, तो सस से लेकर के सुख तक विचार चल रहा है, कितना है 16, हैं? तो ये सर्वनाम स्थान है कि असर्वनाम स्थान है, असर्वनाम स्थान कितने हो गए, 16 हो गए। तो 16 प्रत्यय परे रहते पूर्व जो अंग है, प्रकृति है, कौन, विश्वपा, अब तो विश्वपा का चल रहा है कि नहीं, और भी आगे शब्द आएगा, हैं? तो इसलिए विश्वपा की क्या संज्ञा हुई, पौध संज्ञा हो गई,
क्या संज्ञा हो गई? पद संज्ञा हो गई। सुप्ति गंधम पदम उसे ही पद संज्ञा होती है, लेकिन यह पद अलग है ना। यह सूत्र सामान्य है, लिखो यह सूत्र सामान्य है, यह सूत्र सामान्य है, इसलिए ससादि सोलह प्रत्यय परे रहते, ससादि सोलह प्रत्यय परे रहते, विश्वपाकी पद संज्ञा प्राप्त हुई, पद संज्ञा प्राप्त हुई, हो गया। क्या संज्ञा प्राप्त हुई? पद संज्ञा है ना। कौन सा प्रत्यय पर रहते? ससादि। ससादि कितना है यहाँ पर? सोलह, ठीक है। सस से लेकर के सुप सप्तमी बहुवचन पर्यंत कोई भी प्रत्यय यदि है तो पूर्व जो अंग है विश्वपा उसकी क्या संज्ञा प्राप्त हुई? बोलो, पद संज्ञा। किसके? अरे किसकी बोलो, इतना बोलो, विश्वपा के। विश्वपा के क्या संज्ञा प्राप्त है? पद संज्ञा प्राप्त है। कौन सा प्रत्यय आगे परे रहते? ससादि कितने हैं? सोलह। बस इतना समझ लो। आगे अगला सूत्र, इसका अपवाद सूत्र है। हाँ बोलो। हाँ वो तो पूरे की पद संज्ञा करता है, प्रत्यांत की करता है, प्रकृति की नहीं करता है, पूरे प्रत्यांत की करता है, सुबंत की करेगा। जैसे विषपा आगे सस है, हाँ ये प्रकृति की कर रहा है, वो तो पूरा प्रत्यांत की करेगा, विषपा सस की करेगा वो, केवल विषपा के नहीं ना है। चलो इसका अपवाद सूत्र आ रहा है, देखो। यचि भम तो यचि भम यहाँ पर दो पद है, हैं। यच का सप्तमी एक वचन है यचि, यच चकारांत, जैसे मरुत का मरुति, यच का यचि, तो इस सप्तमी का एक वचन है। भम भम प्रथमा का एक वचन, नपुंसकलिंग, भ का भम बनेगा, भ का भम, ज्ञान का ज्ञानम, ठीक है। तो कितने पद हुए? दो पद। तो आगे देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो है यच में द्वंद्व समास है, लिखो। यच शब्द में, यचि के यच शब्द में द्वंद्व समास है, कैसे? य और अच, य मतलब हल, लिखो य को हल, लिखो हल बनना, य आगे अच, ठीक है नारायण, मतलब यकार है, य मतलब यकार, आगे क्या है? अच, दोनों को मिलाकर द्वंद समास हुआ, तो शब्द होगा यच, सप्तमी एक वचन यची हो गया। अच्छा तो आगे देखो, अनुवृत्ति पूर्व से आ जाएगी, स्वादिष्ट सरनाम स्थान है, पूरी की अनुवृत्ति आ जाएगी, लिखो। पूर्व सूत्र से पूरे की अनुवृत्ति आ जाएगी, ठीक है भाई। वो सूत्र परनिमित्त जो बोलता है, ये सूत्र भी वही बोल रहा है। हाँ वो क्या बोलता है? पूर्व सूत्र स्वादी हो और क्या हो, असन्नाम स्थान हो, ठीक है, नहीं ये भी बोल रहा है, देखो है स्वादी हो और असन्नाम स्थान हो, लेकिन एक विशेषण जोड़ दिया यची, ये जोड़ दिया विशेषण, लिखो। स्वादिशु असन्नाम स्थानेशु का विशेषण यच है, विशेषण यच है, स्वादि असन्नाम स्थान का विशेषण यच है, ठीक है ना।
विशेषण यच है, तो यच में क्या विभक्ति है? सप्तमी। विशेषण यदि सप्तमी हो जाए तो क्या होता है? तदादि होता है, मतलब विशेष्य का आदि हो जाता है। देखो विशेषण है, हाँ यची विशेषण है ना, यची विशेषण सप्तम्यंत होने के कारण, सप्तम्यंत होने के कारण है स्वादि का, स्वादि का तदादि होगा, स्वादि विशेष्य का, स्वादि विशेष्य का तदादि होगा हाँ। अर्थात अर्थात है ना, यादि अजादि स्वादि प्रत्यय पर में हो, यादि यादि या यादि अजादि स्वादि परे रहते, ये अर्थ निकलेगा। यादि और क्या है अजादि, यादि मतलब जिसके आदि में क्या हो, यकार हो, उसको क्या बोलेंगे? यादि। और जिसके आदि में अज वर्ण हो उसको क्या बोलेंगे? अजादि। चौकजो हो गया धन भैया, क्या हो यादि हो अथवा अजादि हो, कौन? स्वादि। कौन है? स्वादि। और कैसे स्वादि? असन्नाम स्थान, असन्नाम स्थान कहने से कहाँ से प्रारंभ होगा? सस से प्रारंभ होगा है ना, कहाँ तक जाएगा? कप प्रत्यय पर्यंत, पंचम अध्याय पर्यंत जाएगा, ठीक है शंभु है, यही बात कह रहे हैं। वृत्ति में देखो है, यादिशु अजादिशु, बोलो यादिशु अजादिशु च कप प्रत्ययावधिशु स्वादिशु असन्नामस्थानेषु पूर्वं भ संज्ञं स्यात्। बोलो अवधिषु स्वादिषु, अरे विच्छेद क्यों नहीं करते हो? हाँ हाँ, कहाँ पर विच्छेद कर, जहाँ पर नहीं करना चाहिए वहाँ पर तो करते हो, और जहाँ पर करना चाहिए वहाँ पर नहीं करते हो, उल्टा हो गया क्या? तो यहाँ पर विच्छेद करके बोलना चाहिए स्पष्टता के लिए, क्या स्पष्टता के लिए? वृत्ति में विच्छेद करने से क्या होता है मालूम है? अर्थ का ज्ञान होता है। इस प्रकार विच्छेद करके याद करोगे ना है, तो अर्थ का बोध हो जाता है ना, पाठ करते समय अर्थ का ज्ञान अपने आप हो जाता है, ठीक है। यादि सु, सु के ऊ को या ओकार हो गया यण, यादि सु अजादि सु च कप प्रत्यागदिशु स्वादिशु असन्नाम स्थानेशु, अर्थ लिख लो, यादि अथवा अजादि, यादि अथवा अजादि ऐसे जो असन्नाम स्थान स्वादि प्रत्यय हो, असन्नाम स्थान स्वादि प्रत्यय हो कप प्रत्यय पर्यंत, कप प्रत्यय पर्यंत, कप प्रत्यय पर्यंत हाँ, ऐसा प्रत्यय परे रहते, ऐसा प्रत्यय परे रहते पूर्व प्रकृति की, पूर्व प्रकृति की भ संज्ञा हो, भ संज्ञा हो हो गया, लिख दिया क्या संज्ञा हो किसकी? पूर्व प्रकृति। पूर्व प्रकृति क्या है? हाँ जैसे देखो, जैसे विश्वपा प्लस सस,
विश्वपा प्लस सस, सस का अस लिख दो, विश्वपा प्लस अस कोष्टक में सस लिखो, विश्वपा प्लस अस कोष्टक में सस, ठीक है। हाँ, ये जो सस का अस है आजादी है, सस का अस आजादी है, सस का अस आजादी है और स्वादी भी है, और औसन नाम स्थान भी है, हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। हाँ, इसलिए पूर्व की क्या संज्ञा है, भ संज्ञा, पूर्व की भ संज्ञा, हो गया। हाँ, लिख लो, अस प्रत्यय अजादि स्वादि औसन नाम स्थान होने से सस का अस स्वादि औसन नाम स्थान होने से, ठीक है, पूर्व विश्वपा की, पूर्व विश्वपा की क्या संज्ञा हो रही है, भ संज्ञा प्राप्त, भ संज्ञा हो रही है, भ संज्ञा प्राप्त है, लिख दो, भ संज्ञा प्राप्त है, हैं, क्या है, भ संज्ञा प्राप्त है, ठीक है। चलो, और पूर्व सूत्र से क्या प्राप्त है बोलो, स्वादिष्ट सन्नाम स्थान से क्या प्राप्त थे, पद संज्ञा किसके, विश्वपा के, दो संज्ञा प्राप्त हुई, क्या क्या, हाँ लिखो, स्वादिष्ट सन्नाम स्थान सूत्र से पद संज्ञा, स्वादिष्ट सन्नाम स्थान सूत्र से पद संज्ञा, ठीक है, और यचिभम सूत्र से भ संज्ञा प्राप्त हो रही है, दो संज्ञा प्राप्त हो रही है, दो संज्ञा प्राप्त हुई, ऐसा लिखो, दो संज्ञा प्राप्त हुई, ठीक है, कितना संज्ञा प्राप्त हुई, दो संज्ञा प्राप्त हुई। अब विचार आ रहा है भाई कितनी संज्ञा होगी, दो संज्ञा हो गई कि एक संज्ञा होती, किसी किसी के बहुत संज्ञा होती कि नहीं, बहुत नाम देते हो कि नहीं, बोलो क्या, बोलो, एक बच्चे का कितना नाम दे देते हैं, हैं, उनके पिता एक दाता है, उनके माँ देती है, उनके दादी माँ आकर देती है, हैं, नानी माँ आकर दे देती है, बोलो देते कि नहीं, बहुत सारे नाम दे देते हैं, है ना। इसी प्रकार शास्त्र में भी ऐसा है, एक की बहुत सारी संज्ञा हो जाती है, आगे आएगी, आगे आएगा, हैं, हाँ, जैसे जैसे मान लो समास आएगा, समास, जैसे तत्पुरुष संज्ञा, हैं, कर्मधार संज्ञा, जिसकी तत्पुरुष संज्ञा होती है उसकी कर्मधार संज्ञा भी हो जाती है, जैसे, हैं, जैसे हो गया नीलोत्पलम, नीलम च तद उत्पलम, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम क्या समास है, तत्पुरुष समास है, और कर्मधारा भी है, दो संज्ञा हो जाती है, क्या संज्ञा हो जाती है, दो संज्ञा, क्या क्या संज्ञा हुई, तत्पुरुष संज्ञा भी है और कर्मधारा संज्ञा भी है, समझ में आया, हैं, तो इसी प्रकार, हैं, किसी किसी की दो संज्ञा होती है, जैसे तत्पुरुष हुआ, कर्मधारा हुआ, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर विश्वपा की क्या प्राप्त हुई बोलो, पद संज्ञा भी प्राप्त हो सकती है और भ संज्ञा भी प्राप्त हो सकती है, ऐसा समझ में ना। इसके ऊपर एक यहाँ पर विचार है, देखो कहाँ पर एक संज्ञा होती है, कहाँ पर अनेक संज्ञा होती है, हाँ हाँ, अब ये आ रहा है, ये नियम सूत्र आ रहा है, देखो क्या सूत्र आ रहा है, नियम सूत्र, ठीक है, क्या नियम भी कह सकते हो अथवा अधिकार भी कह सकते हो, अधिकार कहेंगे, हाँ अधिकार कह सकते हैं, है ना, अधिकार ले लो, क्या है, अधिकार कह सकते हैं, अधिकार सूत्र है, आ कड़ारा देखा संज्ञा, आ कड़ारा देखा संज्ञा, तो यहाँ पर कह रहे हैं, देखो
ये विचार है यहाँ पर। आ कड़ारात, आ कड़ारात पंचमी का एक वचन है, किसका बनेगा? आ हाँ आ कड़ार ऐसा बनेगा, ठीक है। आ कड़ार, ठीक है। आ कड़ार शब्द का पंचमी एक वचन बनेगा आ कड़ारात, ठीक है भाई। हाँ, अरे एका प्रथमा एक वचन, संज्ञा ये भी प्रथमा एक वचन, कितने पद हुए? तीन पद हुए ना। देखो क्या बोलते हैं ये समझने की है। इत ऊर्धम बोलो, कड़ाराह कर्मधारय, इत्यतः प्राग, एकस्यैकैव संज्ञां ज्ञेया, विच्छेद करेंगे तो एकस्य एका एव संज्ञां ज्ञेया, बोलो एकस्य एका एव संज्ञां ज्ञेया, पढ़ो इतना पूरा बोलो। इत ऊर्ध्वम् एकस्य एका एव संज्ञा ज्ञेया। हाँ, और तो लिख लो यहाँ से लेकर एक चार एक है ना ये नंबर, हाँ एक चार एक से लेकर, एक चार एक से लेकर कड़ाराह कर्मधारय, सूत्र लिख लो कड़ारा कर्मधारय, इसका नंबर देखना पड़ेगा अष्टदे में। पहले सूत्र लिखो कड़ारा कर्मधारय, अच्छा दो साथ हो सकता है। हाँ कड़ाराह कर्मधारय, हाँ लिखा, लिखो भाई अर्थ लिखो बाद में देखो। कड़ाराह कर्मधारय इस सूत्र से पहले तक, इस सूत्र से पहले तक जो अनेक संज्ञा प्राप्त होती है, जो अनेक संज्ञा प्राप्त होती है ना, उनमें से एक ही संज्ञा होती है, एक ही संज्ञा होती है ऐसा जानना चाहिए, क्या मतलब जानना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। हाँ इसका नंबर क्या है कड़ारा कर्मधारय का, क्या कह रहे थे राजू, नंबर क्या है? अच्छा 238। हाँ तो 238 से पहले मतलब क्या होगा, 237 पहले बोल दिया ना, अरे सुनो बाद में देखना। 238 हो गया नंबर किसका, कड़ाराह कर्मधारय का, उससे पहले क्या हुआ 237, मतलब 237 तक जो सूत्र है संज्ञा सूत्र, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, आ कड़ारात एका संज्ञा, यहाँ से लेकर के 237 पर्यंत है कि नहीं, जो संज्ञा सूत्र होंगे, क्या होंगे, जो संज्ञा सूत्र, संज्ञा सूत्र क्या करेगा, संज्ञा करेगा, तब जो जो संज्ञा होगी है कि नहीं, और अनेक संज्ञा यदि प्राप्त हो जाए किसी की तो उनमें से कितने संज्ञा होगी, एक संज्ञा होगी। जैसे लिखो, जैसे हाँ जैसे विषपा प्लस अस, उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आएगा। विषपा प्लस अस, हाँ ये सूत्र थोड़ा जटिल है, जल्दी समझ में नहीं आता है। विषपा प्लस अस,
यहाँ पर पहले क्या संज्ञा प्राप्त हो रही है? पद संज्ञा। किस सूत्र से? स्वादिष्ट सन्नाम स्थान है ना। तो ये जो संज्ञा है कौन संज्ञा है? पद संज्ञा। हाँ, इसके अधिकार में आया कि नहीं? आखड़रात एक संज्ञा के अधिकार में आया। लिखो, पद संज्ञा करने वाला सूत्र यहाँ पर पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सूत्र? स्वादिष्ट सन्नाम स्थाने, स्वादिष्ट सन्नाम स्थाने इसके अधिकार में आया, इसके अधिकार में आया, ठीक है। और आगे लिखो, और पद संज्ञा करने वाला, ये पद संज्ञा नहीं, भ संज्ञा करने वाला यचिभम सूत्र भी, यचिभम सूत्र भी इस अधिकार में आया इस अधिकार में आया, ठीक है भाई। किस अधिकार में? आकड़ारात एक संज्ञा के अधिकार में आया, क्योंकि ये अधिकार कहाँ से कहाँ तक बता दिया? 1-4-1 से लेकर के कौन सा 2-4-37, इसके बीच में दो सूत्र आए कि नहीं आए? कौन कौन? स्वादिष्ट सन्नाम स्थान है और यचिभम, इसीलिए दोनों में से एक संज्ञा होगी। लिखो, इसलिए दोनों में से विश्वपा की एक ही संज्ञा होगी, दो संज्ञा नहीं होगी, एक ही संज्ञा होगी, दो संज्ञा नहीं होगी, हो गया भाई। अच्छा, कोई यदि सूत्र इसके अधिकार में नहीं आएगा, कोई यदि संज्ञा सूत्र इसके अधिकार में नहीं आएगा तो उसकी अनेक संज्ञा भी हो सकती है। ये लिख लो, इसका तात्पर्य जो संज्ञा सूत्र इसके अधिकार में नहीं आएंगे वहाँ पर अनेक संज्ञा भी होती है अनेक संज्ञा भी होती है। जैसे लिख लो, जैसे तत्पुरुष कर्मधारय, ये संज्ञा होती है, कल समझाएंगे, समय लगेगा, उदाहरण भी देंगे और स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। ओम नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धार।